अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं, पोलराइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम की तरफ चलने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी थी। सम मैक्सवेल वी हैव डिस्कस सम मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम। तो पहले हम वो लिखेंगे जहाँ से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन थी वो थी डेल डॉट ई इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको क्या कहते हैं? गॉज़ेस लॉ। इसको हम कहते हैं गॉज़ेस लॉ। उसके बाद हमारे पास क्या थी? डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम कहते हैं गॉज़ेस लॉ एंड मैग्नेटोस्टैटिक। उसके बाद हमारे पास आता है कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू पार्शियल ज़ीरो नहीं, माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी। तो ये कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी क्या है? फैराडेज लॉ। दिस इज फैराडेज लॉ। उसके बाद एक और हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो होती है मैक्सवेल इक्वेशन की, लास्ट इक्वेशन है वह है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई बाय पार्शियल टी। और इसको कहते हैं एम्पेयर्स लॉ। ये फिक्स्ड फॉर्म नहीं है एम्पेयर्स लॉ की। एम्पेयर्स लॉ की फिक्स्ड फॉर्म भी हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसको डिस्कस कर चुके हैं, उस पर भी लेक्चर मौजूद है प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये हमारे पास चार इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये जो कपल इक्वेशन लास्ट इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर थ्री, दिस इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर फोर, और इनको वन और टू ऊपर वाली को नाम दे दें। तो अब हमने करना क्या है? वी हैव टू टेक द कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस। फर्स्ट वी विल टेक द कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन। तो टेकिंग द कर्ल ऑफ, टेकिंग के ये स्पेलिंग होते हैं, दी कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर थ्री। व्हेन वी टेक द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर थ्री, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री क्या बनती है? कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू कर्ल ऑफ माइनस पार्शियल बी बाय पार्शियल टी, यही बनती है ना? जी यही बन जाती है। अब हमारे पास ये जो कर्ल का कर्ल होता वो बराबर होता है डाइवर्जेंस डेल डॉट ई इस वेक्टर का डाइवर्जेंस के माइनस लैप्लेशियन ऑफ दैट वेक्टर डेल स्क्वायर ऑफ ई। ये वाला जो कर्ल कर्ल है ये इसके बराबर होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर हो गई? माइनस भी बाहर ले लिया, पार्शियल बाय पार्शियल टी भी हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या करना है? कर्ल ऑफ बी ले लेना है, ठीक। यहाँ पे हमने क्या कर लेना है? कर्ल ऑफ बी ले लेना है। तो कर्ल ऑफ बी किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फोर हेयर, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन है, इनको मैं यहीं पे रहने दूंगा, ये माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी, ये वाला जो सा ये पार्शियल स्क्वायर हो जाएगा, ये पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर ऑफ ई हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर माइनस भी आएगा ऑफ ई, ये यूं हो जाएगा। और ये डेल डॉट ई इक्वेशन नंबर वन से हमारे पास ज़ीरो,
तो डेल स्क्वेयर ऑफ ई माइनस डेल स्क्वेयर ऑफ ई, तो ये और ये माइनस कट जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने इस चीज़ को प्रूव कर लिया। सिमिलरली हमने क्या करना है, हमने कर्ल लेना है इस वाली इक्वेशन का, ठीक है। व्हेन वी विल टेक द कर्ल ऑफ दिस इक्वेशन, होगा क्या कि आपके पास इस इक्वेशन का कर्ल लिया जाएगा, कर्ल ऑफ ई लेंगे यहाँ पे उसी तरह बिल्कुल सेम एज इट इज। आप यहाँ पे मैं कर देता लेकिन वो टाइम लेगा आपका, बस ई ई की जगह आपने क्या करना है यहाँ पे बी को रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे बी की जगह ई को रिप्लेस कर देना है। तो आपके पास अगेन जो आपके पास फॉर्म बनेगी वो इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। जो आपके पास फॉर्म बनेगी वो बनेगी डेल स्क्वेयर ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वेयर ऑफ बी बाय डेल टी स्क्वेयर, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, कि यहाँ पे ई ई था ना, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में ई ई था, तो इस वाली इक्वेशन में क्या आ जाएगा, बी बी आ जाएगा। यहाँ तक बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने वेव इक्वेशन पढ़ी थी स्टार्ट के अंदर, वेव इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि वेव इक्वेशन मैंने आपको बताया था डेल स्क्वेयर ऑफ एनी फंक्शन एफ, वहाँ पे हमने जी और टी भी लिया था, तो वो जी के अंदर प्रोपगेशन थी टाइम टी के लिए, तो इस वजह से यहाँ पे फंक्शन है कोई भी आप की डिपेंडेंट अंदर वेरिएबल्स डाल सकते हैं। तो ये बराबर होता था वन अवर v डेल स्क्वेयर बाय डेल टी स्क्वेयर एफ ऑफ दैट फंक्शन, सही। तो आप ये देखें कि दूसरी इक्वेशन फिर से अगर मैं लिख दूं तो वो ये थी कि डेल स्क्वेयर ऑफ ई वाज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट पार्शियल स्क्वेयर ऑफ ई बाय पार्शल टी स्क्वेयर, ये थी हमारे पास इक्वेशन वो वाली। अब देखें इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर अगर आप इस वाली इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट करें तो आपके पास ये तो फंक्शन है, यहाँ पे बी फंक्शन, यहाँ पे ई फंक्शन, यहाँ पे जो आ रही है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ठीक। ये जो बॉयड सेवरेट कोफिशेंट है और गॉजेस कोफिशेंट है ये किसके बराबर आ रहा है, ये यहाँ से इक्वेशन को जब हम इन वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेटिंग दिस इक्वेशन वन अवर वी विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, यहाँ पे वी स्क्वेयर था वन अवर वी स्क्वेयर, तो ये वन अवर वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वी नॉट। इसका रेसिप्रोकल लेके जब हम वी निकालते हैं तो वो आता है अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो यहाँ से जो हमारे पास वी की वैल्यू आती है वो क्या आती है, वी फ्रॉम दिस इक्वेशन जब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो वो आती है 3 × 10⁸ m/s विच इज एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम क्या क्यों कहते हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड भी सेम है, हम कह सकते हैं कि दोनों की स्पीड सेम है, दैट्स वाई वी कॉल देम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, एक जैसी स्पीड है, सही। दोनों को मीडियम रिक्वायर नहीं होता, देखें लाइट को भी जो सा वो मीडियम रिक्वायर नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मैटर या लीनियर मीडिया। तो तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।